ओहो, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। तो गाइज लाइन बहुत लंबी है, उधर से आए इधर से घूम के ऐसे जाएंगे, यहाँ से एकदम हमको दिखेंगे गणपति बप्पा, लेकिन हम पास में भी जाएंगे। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं दर्शन करने के लिए कि हम बता नहीं सकते हैं। वो उधर ये मुझे लग रहा है इसी के लिए बनाया जा रहा है। हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और सबसे पहले हम आपसे माफी चाहते हैं, हमने बोला था कि डेली व्लॉग आएगा लेकिन दो दिन गैप हो गया है, खैर माफ करिएगा। और आज हम जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर, तो आपको भी लेके चलते हैं गणपति बप्पा मोरया। चलो तो गाइज हम पहुंच चुके हैं दादर, और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि बादल बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी हम दादर घूम के फिर यहाँ से टैक्सी पकड़ के हम जाएंगे सिद्धि विनायक दर्शन करने के लिए। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो हम जा रहे हैं सिद्धि विनायक, उसके लिए हमको टैक्सी पकड़ना है। लेकिन यहाँ पे पूरी स्ट्रीट मार्केट लगी, पीछे कपड़े की थी, इधर पूरे फ्रूट्स की है, कुछ भी, अनार सेब संतरा केला फलाना ढमकाना सब कुछ। चलो भाई चलो, ये फिर कपड़े का आगे आ गया, यहाँ कपड़े कपड़े का भरमार है, कितना भी खरीदो। और यहाँ काफी सस्ता भी मिलता है, स्ट्रीट मार्केट यहाँ की बहुत सस्ती है, चीपेस्ट, तो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो। चलो चलो, अब थोड़ा सी हवा लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि पसीने से। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है ना, इतना पास में है, इतनी गर्मी ना हो तो चल के चले जाओ। वैसे हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सिद्धि विनायक। तो जी हम पहुंच गए हैं श्री सिद्धि विनायक मंदिर, और ये देखिए दिख रहा है मंदिर। अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। सामने है एंट्री गेट, और यहाँ पे दो प्रवेश द्वार हैं, एक का नाम है सिद्धि एक का रिद्धि। तो जिधर से हम जाएंगे ये है सिद्धि प्रवेश द्वार। तो चलो जी चलते हैं, और इधर देख रहे हो कितना ज्यादा ट्रैफिक जाम है, आ जाओ। श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर, गणपति बप्पा मोरया। ओहो, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अरे बाप रे भैया देख के। तो ये है यहाँ का एंट्री, यहाँ से हम कर रहे हैं इंटर, आगे जा रहे हैं की। भाई यहाँ पे सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है। श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर हमारे भारत के सबसे पॉपुलर धार्मिक स्थलों में से एक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे लोग आए, बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी हम चलते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं, इधर से जाना है उधर साइड से, इधर से वापस आ रहे हैं लोग। ये बाहर जाने का है, अंदर जाने का उधर से है, ये इधर से। कहीं भीड़ हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ जरूर रहता है हमेशा लोग, यहीं से के साथ लेके जा रहे हैं फूल माला। हम लोग तो शूज पहन के जा रहे हैं, इधर ही शूज निकालते हैं जमीन। तो सिक्योरिटी चेकिंग हो गया है, हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ भी बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। और अब हम यहीं पे अपना जूता वगैरह निकाल के रखेंगे, और यहीं से प्रसाद लेंगे और आगे चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो हम दर्शन करने के लिए प्रसाद लेके लाइन में लग गए हैं, और लाइन अभी बहुत लंबी है, लेकिन आज फिर भी कमी है। वो दादी बता रही थी कि कल बहुत ज़्यादा था, आज गर्दी नहीं है, 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। आज बहुत कम भीड़ है, संडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और अंदर देखो इधर भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे भी प्रसाद मिलता है यहाँ से, तो आप ले सकते हैं, वो उधर है महाप्रसाद लड्डू। यहाँ पे भाई दुनिया भर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आज हम आए हैं, रहते इतने सालों से मुंबई में हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आए। देखिए मंदिर कितना बड़ा है ऊपर तक, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं दर्शन करने के लिए कि हम बता नहीं सकते हैं। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो सामने गणपति बप्पा दिख गए हैं, अभी वहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन यहीं से दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा मोरया। खूब सारा आशीर्वाद दीजिए सभी लोगों को। तो गाइस लाइन बहुत लंबी है, उधर से आए इधर से घूम के ऐसे जाएंगे, यहाँ से एकदम हमको दिखेंगे गणपति बप्पा, लेकिन हम पास में भी जाएंगे, टाइम लग रहा है। और जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं इधर हवन होता है, देखो कुंड वगैरह बना है। चलो भाई चलो गणपति बप्पा मोरया, चलो जी चलो। Thank you.
चलो चलो भाई, ये सब लोग एक एक घंटे रुक रहे हैं। वो उधर गणपति भगवान खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। तो गाइज हम इधर से आ गए, ये नॉर्मल दर्शन था। अगर आप वीआईपी दर्शन करते हो तो एकदम वहाँ से होते हैं, सामने से। हमारा तो मन उधर से करने को है। नहीं, वो नॉर्मल लाइन होगी। इनसे पूछते हैं, भैया उधर से आगे 6 नंबर गेट। हाँ, 6 नंबर गेट से। 6 नंबर किधर है? 6 नंबर गेट आगे, 6 नंबर गेट से तब उधर जा पाएंगे। दर्शन हो गया, चलिए। तो गाइज हम दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ पे दर्शन करने के लिए कई सारे प्रवेश द्वार हैं। हम 1 नंबर से गए थे, 1 नंबर से दर्शन जल्दी हो गया। हालांकि थोड़ी दूर से दर्शन हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। ये इसके लिए बनाया गया है कि यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी आते हैं, वीआईपी यहाँ पे दर्शन भी होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिससे आप अलग अलग द्वार से जाके दर्शन जल्दी कर सको, मतलब भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सके। तो गणपति बप्पा मौर्या कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप दर्शन करने आए हैं कि नहीं आए, आना चाहते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज हम दर्शन कर चुके हैं। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, पीछे ये है सिक्योरिटी चिकन, जहाँ से आप एंट्री करोगे और इधर से प्रसाद लेके आप दर्शन करने जा सकते हो। और इधर कुछ लोग अपने शूज वगैरह इसे ही उतार दिए हैं, लेकिन इधर चोरी होने का डर हो सकता है। वैसे मंदिर में कोई नहीं करता। वहाँ पर निःशुल्क है फुटवेयर सेवा, जो कि आप अपना फुटवेयर आराम से रख के जा सकते हो, खोएगा नहीं। और यहाँ पर है पूजा बुकिंग काउंटर, मतलब अगर आप पूजा उजा करवाना चाहते हो तो कितने में क्या अभिषेक और अलग अलग जो पूजा होती है उसके लिए यहाँ पे ये लिखा गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पूजा वगैरह करवा सकते हैं। ये उसका बुकिंग काउंटर है। और इधर महाप्रसाद का है, जैसे आप यहाँ आते हैं तो यहाँ का जो महाप्रसाद होता है उसको लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और बस दुख इस बात का है कि एकदम मेन वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, सब गेट अलग अलग रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम वहाँ से दर्शन करेंगे जहाँ पे मेन वाला है, मतलब एकदम पास से दर्शन कर पाए। और दूसरी चीज़, भगवान तो दिल में रहते हैं, किधर से जाना है। यहाँ तो शुरू हो जाता है ना बारिश जून में चलो, हमको तो लग रहा पहले ही शुरू हो जाएगा, देख नहीं रहे 3-4 दिन से बादल हो रहे हैं। भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा है, थोड़ा गर्मी कम होगा इसकी वजह से, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। यहाँ से तो पूरा इंटीरियर दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है इसी के लिए बनाया जा रहा है ताकि इंटीरियर देखते हैं। नहीं, इसलिए बनाया जा रहा है कि समंदर के साइड साइड से पूरा रोड रहे, अगर कोई घूमने आता है सिटी के अंदर इंटर ना करे, बाहर बाहर से वो घूम के चला जाए। और अंदर कहाँ चलेंगे, अंदर इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, लोग फंस जाते हैं। अरे आने लिए बंद है, पानी भरा है सामने, पानी भरा है नहीं, नहीं सामने रोडवे पूरा बंद हो गया ना। ये क्या हाजी अली है? बंद है, बंद है, बंद है। पानी बंद नहीं, अलाउड नहीं, एक भी आदमी रोड के ऊपर पानी जा रहा है। तो ये कब खुलता है? अभी खोलेंगे 4-5 बजे। टैक्सी वाले भैया ने अच्छा चूना लगा दिया हमको, 150 रुपये जहाँ लगना था वहाँ 250 रुपये लग गए, इतना ज़्यादा घुमा घुमा के आए। हमने बताया हमको हाजी अली जाना है, वो हमको मरीन ड्राइव लेके जा रहे हैं। वही यहाँ टैक्सी वाले घुमाते बहुत है, टैक्सी पे बैठो तो कन्फर्म जरूर कर लो 10 बार। और सामने देखिए एंटीलिया हाउस दिख रहा है, एकदम क्लियर, बड़ा 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 कह रहे हैं। तो गाइज हम जा रहे थे हाजी अली दरगाह, और आधे रास्ते तक आए भी, लेकिन क्या है कि वो बंद है, जो जाने का रास्ता है ना पूरा हाई टाइड की वजह से अभी पानी भरा हुआ है। जब पानी हटता है तब ओपन होता है 4:30 बजे के बाद, लेकिन वेदर देखो एकदम बादल बादल है, तो कोई भरोसा नहीं कि खुलेगा, इसीलिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहीं और। यहाँ से पड़ता है गिरगांव चौपाटी पास में, तो हम जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी। चलो चलिए, हम पहुंच चुके हैं गिरगांव चौपाटी। और ये देखो पूरा खाली खाली, बड़ा मस्त लग रहा है। सबसे अच्छा लग रहा है ये मौसम, आज मौसम है बड़ा, ऐसा हमारे देश में गाना बनता है, लेकिन पाकिस्तान में बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी
जिसका ना सुर ताल ना कुछ नहीं भाई, हमने फर्स्ट टाइम सुना, हमारा दिमाग इरिटेट हो गया। अभी बीच पे लोग हैं, अभी सब खाली है यहाँ पे, मस्त बढ़िया। आज घर से निकले हैं, सिर्फ पसीना पोंछ रहे हैं। धूप नहीं लेकिन गर्मी इतनी लग रही है।